कॉफ के बाद देखते हैं कि काफ किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमने गोलाई वाले अलिफ को शेप दी थी, वही शेप यहाँ पे कॉफ को दी जाएगी, यानी कि इसी तरह अलिफ लिखा था उसी अंदाज में कॉफ लिखा जाएगा। काफ लिखने के लिए पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, चौथा, और ये चीज आप बनाएंगे इसकी नोक से। जिसमें ये चीज बनती है दो कद के बराबर, यानी जो आप गैप अगर देखें ये कितना लंबा होना चाहिए इसके लिए, और अंदर आप तकरीबन तीन कद का गैप देते हैं। फिर से देखें, नेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाके फिर घुमाऊंगी, और अब मैं इसे तोड़ के अलग अलग नहीं लिखूंगी, एक ही दफा में किस तरह से कॉफ लिख सकते हैं ये देखें। इसी तरह से लाम लिखा जाएगा, जिसमें सिर्फ ये चीज आप ऐड नहीं करते। लाम, लाम के बाद अगला हर्फ। काफ और लाम में टोटल जो स्ट्रोक हैं वो देख लेते हैं, एक, दो, तीन,
चार पांच, काफ के स्ट्रोक हैं पांच और लाम के स्ट्रोक हैं चार।